भाग्य साथ ना दे तो क्या करें। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब संयम छूटने लगता है। दिन रात मेहनत और प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता हासिल नहीं होती। ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ हो रहा है। वो कहते हैं ना, कभी कभी लाख कोशिश करने के बाद भी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। ऐसा ही कुछ इस स्थिति में होता है। आपने सुना होगा कि इंसान हर समस्या से लड़ जाता है पर अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। जब दुर्भाग्य साथ हो तो मनुष्य भीतर से खोखला होने लगता है, मीठी नदी का पानी भी खारा लगता है। आपने भी अपने जीवन में इस तरह के समय को जरूर जिया होगा, जब सभी सुकर्मों के बाद भी दुख और समस्याओं ने आपको घेरा होगा। आज हम जीवन के इसी कठिन पड़ाव को आसान बनाने के लिए आपके साथ कुछ उपाय साझा करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ बताए गए उपाय जीवन भर ऐसी परिस्थितियों में आपका साथ देंगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हम ये तो नहीं कहते कि किसी उपाय से भविष्य बदल सकता है या आपकी परेशानियां गायब हो सकती हैं, लेकिन इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये सच है कि भविष्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे निर्णय कार्य भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी समस्याओं का उचित उपाय करें तो भाग्य भी हमारी योजनाओं के अनुसार ढल सकता है। ये कुछ उपाय हैं जो आपको किस्मत का साथ दिला सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें। हाथों में देवी सरस्वती, लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। इससे आपका भाग्य प्रबल होता है। हर रोज ऐसा करने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए कल्याणकारी होते हैं जिन्हें रोजगार पाने में या अपना करियर बनाने में कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। नंबर 2, शहद केवल शरीर ही नहीं बल्कि जीवन में भी मिठास घोलने का काम करता है। कहते हैं कि शहद लाभदायक होने के साथ साथ भाग्य को चमकाने का भी काम करता है। अगर सुबह उठने के बाद प्रतिदिन शहद का सेवन किया जाए तो जीवन मंगलमय हो जाता है। ये उपाय बेहद कारगर है और इसे करने से जल्द ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। याद रहे कि शहद का सेवन हर रोज करना जरूरी है, इससे मन और स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर रहते हैं। 3रा उपाय गणेश जी की आराधना से जुड़ा है। जी हाँ, अगर आप 21 से 41 दिन तक प्रतिदिन गणेश जी को 3 सुपारी अर्पित करेंगे तो जल्दी ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बिगड़े हुए आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, यहाँ तक कि दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कमजोर भाग्य जल्दी ही प्रबल हो जाता है। कहते हैं कि किसी धार्मिक संस्था या शिक्षा संस्थान में केले का पेड़ जोड़े से लगाने से भी लाभ प्राप्त होता है। केले का पेड़ लगाने के बाद उसे रोज जल देना और उसकी देखभाल करना भी आवश्यक है। जैसे जैसे केले का पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे आपकी दुख तकलीफें भी समाप्त होती चली जाती हैं। घर में समृद्धि आती है और प्रगति का मार्ग आपके लिए खुल जाता है। नंबर 5, ये तो आपने सुना ही होगा कि हनुमान जी सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस समस्या से आपकी नैया पार लगाने का काम भी हनुमान जी करते हैं। लगातार 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने से और उनके बाएं पैर में पड़े सिंदूर का टीका लगाने से भाग्य मनुष्य के साथ चलने लगता है, दुर्भाग्य की अवधि समाप्त हो जाती है। नंबर 6, माँ बाप और गुरुजन का दर्जा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे में माता पिता और गुरुजन की सेवा करने से जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद सदैव भाग्य बढ़ाने और परेशानियों को समाप्त करने का काम करता है। नंबर 7, कहते हैं कि यदि आपके हर कार्य में बाधा आ रही है और उसे सुलझाने के बाद भी कार्य आपके हिसाब से नहीं हो रहा तो काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। श्री काल भैरव की उपासना करने से और एक कुत्ता पालने से सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। दरअसल काल भैरव जल्दी ही उनके भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे भाग्य लाभ होता है। नंबर 8, अमावस्या के दिन काली वस्तुओं का दान करने से भी दुर्भाग्य पीछा छोड़ देता है। इसके अलावा हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से
भाग्य में वृद्धि होती है। ये विधि पितृ दोष के कारण जीवन में आ रही समस्याओं का हल करती है और मनुष्य के जीवन में शांति लाती है। नंबर 9, अगर जीवन में भाग्योदय की इच्छा रखते हैं तो हर दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में जल्दी ही सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्य की आराधना करते हुए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ और सूर्य मंत्र का जप प्रतिदिन करना भी जरूरी होता है। नंबर 10, जिस घर में आप रहते हैं उसे साफ रखना और हर दिन घर की सफाई करना भी जरूरी है। एक साफ सुथरे घर में ही ईश्वर का वास होता है। घर के पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखें। वहां स्थापित देवी देवताओं का रोज ताजे फूलों से श्रृंगार करें, उनकी पूजा आराधना करें। भगवान भी तभी आपकी सुनते हैं जब उन्हें उचित मान और प्रेम मिलता है। ऐसा करने से वह अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के कष्टों को हर लेते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। ये उपाय आपके भाग्य में फैली हुई नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं और आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।